सब्सक्राइब कीजिए लुकेश टेक को और दबाइए इस बेल आइकन को टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोग यूज़ करते होंगे अगर GB व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए आपको GB व्हाट्सएप में काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिल जाते होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे GB व्हाट्सएप की जो नोटबंकी यहाँ पे चालू हो गई है, यहाँ पे फालतू से बहुत सारे GB व्हाट्सएप के जो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। GB व्हाट्सएप यहाँ पे नोटबंकी स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे GB व्हाट्सएप में आपको काफ़ी सारे फीचर जो यहाँ पे आपको GB व्हाट्सएप में मिल जाते होंगे। जैसा कि यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप यहाँ पे किसी के भी स्टेटस को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी के स्टेटस जो होते हैं उसको आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे GB व्हाट्सएप में आप जो है एक से ज़्यादा मैसेज आप भेज सकते हैं। किसी के मैसेज को आप कॉपी कर सकते हैं, वो भी बिना उनके नंबर के और टाइम के कॉपी किए आप सिर्फ मैसेज को कॉपी कर सकते हैं। या फिर किसी मैसेज के बीच से किसी मैसेज के टेक्स्ट को जो है आप जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और उसे जो है किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं या चाहे तो किसी को भी भेज सकते हैं। ये सारा फीचर जो है यहाँ पे GB व्हाट्सएप में मिलता है। लेकिन और भी यहाँ पे बहुत सारे बता देते हैं, यहाँ पे और भी सारे फीचर जो आपको GB व्हाट्सएप मिलते हैं यहाँ पे। और तो और दोस्तों, यहाँ पे आप जो है अपने GB व्हाट्सएप में अपने आइकॉन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के आइकॉन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर जो आपके डेस्कटॉप में जो आइकॉन शो करता है उसका कलर को चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आइकॉन जो है उसका जो हेड का जो साइन कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपको फोन के टाइम पैटर्न जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर जो है GB व्हाट्सएप में मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। जो सर्कल में आपको जो आइकॉन दिखता है उसे आप बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर जो आपको मिलेंगे। GB व्हाट्सएप में आपको एक्स्ट्रा आइकॉन्स मिल जाएगा, एक्स्ट्रा इमोजीज आपको मिल जाते हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर मिलते हैं। यहाँ पे आप जो ज़्यादा से ज़्यादा साइज के जो वीडियोज़ को आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, फुल लेंथ का जो है आप यहाँ पे इमेज जो है प्रोफाइल पिक्चर में लगा सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे फीचर जो आपको यहाँ पे GB व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। आपको जो ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन भी आपको GB व्हाट्सएप पे मिलता है। यहाँ पे आप जो टाइमिंग सेट कर देते हैं, यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे सेट कर दिया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम 99 सेकंड जो आप सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक जो है वहाँ से वो मैसेज भेजता है। कोई भी अगर रिप्लाई करता कोई मैसेज करता है तो उसके रिप्लाई में जो है कोई अगर मैसेज आपने सेट कर दिया है तो उसे वो भेजता रहता है किसी कॉन्टैक्ट को, चाहे वो कॉल कॉन्टैक्ट बनाता है या फिर सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट बनाता है, तो ऑटोमेटिक मैसेज जो वहाँ से वो सेंड करता रहता है। GB व्हाट्सएप के सारे फीचर थे। लेकिन अब जो है GB व्हाट्सएप पर नौटंकी जो उसका स्टार्ट हो चुका है, उसका नौटंकी ये है कि अगर आप अब GB व्हाट्सएप में ये सारे फीचर्स को अगर यूज़ करते हैं तो इससे जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे बता दूँ कि इससे आपका जो व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो बैंड हो सकता है। जी हाँ, आपका जो व्हाट्सएप का नंबर जो है बैन हो सकता है। अगर एक बार आप व्हाट्सएप में बैन जाता है तो आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके काफ़ी सारे फ्रेंड जो है आपसे जुड़े होते हैं, उन नंबरों से आपके फैमिली मेम्बर जुड़े होते हैं, वो लोग जानते हैं आपके उस नंबर को। अब उन्हें जो नया नंबर आपको देना है तो वो एक बहुत बड़ी जो है चुनौती बन जाती है वहाँ पे। आप जो है नहीं कर सकते, आपको जो नंबर एक बार बैन जाता है तो आप जो है कॉन्टैक्ट से उनके हट जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट तक दूर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे GB व्हाट्सएप का यूज़ करने का। यहाँ पे नोट डाउन कैसा है तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर GB व्हाट्सएप जो आपको फीचर मिलता है ऑटो रिप्लाई का, यही आपका सबसे बड़ा नौटंकी है। इसी की वजह से आपका जो है व्हाट्सएप अकाउंट बैन जाता है। तो GB व्हाट्सएप में एक फीचर दे तो दिया है, लेकिन उसे ये खुद को नहीं पता है कि इस वजह से आपका अकाउंट जो बैन हो सकता है। क्योंकि ये ऑटो रिप्लाई में क्या होता है, जब भी आप कोई भी आपको मैसेज करते हैं और आपको ऑटोमेटिक उसमें रिप्लाई करते हैं, बिना ऑनलाइन रहे भी आप यहाँ से आपका मैसेज जो ऑटोमेटिक रिप्लाई होता है, तो व्हाट्सएप इसे जो है स्पैम समझता है और आपका अकाउंट जो है यहाँ पे बैन हो जाता है। क्योंकि व्हाट्सएप का जो टर्म्स एंड कंडीशन ये कहते हैं, आप कोई भी स्पैम अगर करता है तो उसको व्हाट्सएप के अकाउंट को बिना किसी नोटिस के वो बैन कर देते हैं। और तो और यहाँ पे आप बहुत सारे मैसेजेस को एक साथ जो है आप जो है बहुत सारे अगर आप यहाँ पे ऑटो रिप्लाई में अगर सेट कर देते हैं मैसेज को और टाइम टू टाइम जो वहाँ पे सेंड करते रहता है, लेकिन आप उस समय एक टाइम में इंसान कोई भी एक मैसेज भेज सकता है, उससे तो बहुत सारे लोगों को मैसेज कैसे भेज सकता है। व्हाट्सएप जो है इसे रीड करता है, उसे चेक करता है, उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ फाइंड कर लेता है कि इसने ये गलत ये चीज़ जो मिस्टेक हो रहा है। एक प्रकार का रोबोट मानता है, तो वो किसी ह्यूमन ने नहीं किया, उसके रोबोट ने किया, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो आपको GB व्हाट्सएप मिल जाता है तो वो इसके रोबोटिक फंक्शन होता है। सॉफ्टवेयर के वजह से आपका जो है मैसेज वहाँ पर ऑटोमेटिक जाता है और इसे स्पैम मानता है, आपके नंबर को ब्लॉक कर देता है, आपके नंबर को बैन कर देता है, आप दोबारा जो है अपने नंबर से व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते हैं।
इस वजह से जो है आपको जीबी पार्सल यूज़ नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था कि जीबी पार्सल की नोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको इसके जो नंबर को आपको जीबी पार्सल को आपको यूज़ नहीं करना, आपको नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सेकंड व्हाट्सएप यूज़ करना है तो उसके लिए आप जो है व्हाट्सएप बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों जो है आपके व्हाट्सएप की सर्विस की तरफ से आपको मिलता है। ये बिल्कुल जो है फर्स्ट पार्टी जो व्हाट्सएप का फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, जबकि आपका जीबी व्हाट्सएप जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलता ही नहीं है, आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बात है दोस्तों, इस बारे को आप केयर कीजिए, नहीं तो वरना आपका नंबर जो है बैन हो सकता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।